हेलो दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम गारंटी दे रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए इसको तैयार कर लेंगे, यानी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। तो हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है, तो चलते हैं हम उस टॉपिक के नियम को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, किसी संख्या से विभक्त होने के नियम, वह संख्या कौन कौन सा हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, वो संख्या कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, दी गई संख्या को हम क्या करेंगे, इन्हीं सब संख्याओं से विभक्त होने के नियम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है 2 से। ठीक, 2 से विभक्त होने का क्या नियम है? दी गई संख्या में, अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होगा? 2 से विभक्त होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे दिया 2, 3, 6, 0, देखिए दी गई जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो क्या होगा, 2 से विभक्त होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे दिया 3, 6, 8, तो देखिए दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 है तो क्या होगा, 2 से विभक्त होगा। ये तो हो गए 2 से विभक्त होने वाले नियम। अब चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वो कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो दी गई संख्याओं का अगर हम योग कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, वो 3 से विभक्त होना चाहिए, यानी दी गई संख्याओं के योग को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक, तो वो संख्या कौन सा हो सकता है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 8, 7, 5, 6, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 8 + 7 + 5 + 6 + 4, जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 26, 4, कितना हो जाएगा, 30। तो अब देखते हैं 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो देखिए 3 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 से विभक्त होगा दी गई संख्या। ऐसे ही कई एग्जांपल हैं, तो हम पहले एक एक करके एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट संख्या कौन सी है जिससे विभक्त हो सकती है, सीधे हम आते हैं 9 पे। तो जब दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, वह विभक्त होगा, किसे, 9 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल से इसको भी देख लेते हैं। देखिए 6, 8, 7, 9, 1, 5, 3, तो हम क्या बताए थे कि 9 से तभी विभक्त हो सकता है दी गई संख्या जब सारे संख्याओं को हम जोड़ के भाग दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए 6, 8, 7, 9, 1, 5, 3, ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना है, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 9, 30, 30, 1, 31, ठीक है, 31, 5, 36, 36, 3, 39। देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 9 से क्या हो रहा है, ये नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। अरे भाई, इसको देखिए, 3, 3 का 9, 3 का 3, 3 का 9, कहाँ कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे 6, 3, ठीक को देख लेते हैं, विभक्त होगा नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, देखिए 9 से विभक्त हो जा रहा है, तो 9 से संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरी संख्या लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं, अब ये तो एकदम आसान है, लेकिन जब ये आप जानते रहेंगे तो बड़े बड़े जो डिजिट वाले होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे हमको, वो भी क्या होगा, साल होगा, और सारा हम बताएंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, अब आते हैं 4 से, देखते हैं। देखिए दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो क्या होगी, 4 से विभक्त होने वाली संख्या होगी। ठीक है, देखिए 4 के देख लीजिए, एग्जांपल से ज्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 से देखिए क्या, कौन सी संख्या होती है, 6, 4, 8, 2, 5, 4, यह संख्या है। तो हम क्या बोले हैं, दी गई संख्या का इकाई और दहाई, देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, से बनी संख्या अगर
चार से डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगी, चार से विभक्त होने वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए चार करने चार होगा, और देखिए यहाँ पर कितना है, एक चौदह, चौदह हो जाएगा। तो क्या हो रही है, विभक्त नहीं हो रही है, तो ये संख्या विभक्त नहीं होगी। आ रहा समझ में, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमें एनर्जी बूस्ट मिलता है, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तीन आठ चार चार, ठीक है। तो हम क्या बोल लेते हैं, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, चार से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो चार से विभाज्य होने वाली संख्या होगी। देखिए चार एक चार, चार एक चार तो हो जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, चार से विभक्त होने वाली संख्या होगी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अब चलते हैं आठ का, ठीक है। आठ से क्या होगा, दी गई संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा वाले अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, आठ से डिवाइड होनी चाहिए, तब क्या होगी वो, आठ से विभक्त होने वाली संख्या होगी। देखिए आठ से कौन सा हो सकता है, एक छः आठ नौ सात पाँच दो, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों की बात हो रही है, इन लास्ट के तीन डिजिट हैं, इनको क्या होना चाहिए, आठ से विभक्त होना चाहिए। अगर आठ से विभक्त हो रहा है तो क्या हो जाएगी, विभक्त होने वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए सात पाँच दो कर दीजिए, आठ से भाग दे दीजिए, इससे आसानी रहेगी। तो क्या आठ नवा बहत्तर, तीन दो आठ चौको बत्तीस, देखिए क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, कितने बार, चौरानवे बार में। तो दी गई संख्या क्या होगी, आठ से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये छोटे छोटी छोटे छोटे नियम है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा बचता है, पाँच, पाँच से अब देखते हैं क्या नियम है विभक्त होने का। तो जब दी गई संख्या के लास्ट में, अंत में या इकाई अंक जीरो और फाइव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाँच से डिवाइड हो जाएगा, अब विभक्त होने वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए थ्री टू फाइव जीरो, देखिए जीरो है तो क्या हो जाएगी, फाइव से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब आता है सिक्स, ठीक है। देखिए सिक्स है ना, देखिए सिक्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो क्या होता है, दो तिहाई छः। तभी बताए थे ना कि दो से विभक्त होने का नियम और तीन से विभक्त होने का नियम, दो से विभक्त होने का नियम क्या होगा, कहने का मतलब दो से भी डिवाइड होना चाहिए, तीन से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, छः से विभक्त होने वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में दो का हम जो बताए हैं वो यहाँ पे क्लियर होगा। तो दो का क्या बताए थे, कि दी गई संख्या का इकाई अंक के जगह पे क्या हो, जीरो हो, सॉरी जीरो हो, चलिए दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, ये संख्या होनी चाहिए। और तीन में क्या कहे थे, कि दी गई संख्या का योग कर लिया जाता है, जब योग कर लिया जाएगा और देखा जाएगा तीन से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे यही था ना वन टू थ्री, तो हम क्या करते थे, तीनों को जोड़ लेते थे, प्लस वन कर दीजिए, तो देखिए तीन चार चार तीन सात, तो वो विभक्त नहीं होगी। कहने का मतलब तीन से जब भी हम विभक्त करेंगे तो दी गई संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सातवें पे, सातवां जो है नियम इसका, सात से विभक्त होने वाली जो संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और वो एग्जाम की दृष्टि से जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और हमेशा के लिए तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, सात से विभक्त तभी होगी दी गई संख्या जब उसका इकाई अंक का दो गुना उस संख्या से हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो बचे शेष संख्या का क्या होना चाहिए, संख्या से घटाने पर वो सात से कट जाना चाहिए। क्या बोले हैं, ऐसे देख लिए दिया है थ्री फोर थ्री, हम यही बताए हैं कि दी गई संख्या का इकाई अंक कौन सा है, तीन है ना, इसका दोगुना हम कर देते हैं और बची हुई संख्या यही है ना चौंतीस, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, बची हुई संख्या से बनी, बची हुई जो अंक है उनसे बनी संख्या में से हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। आ रहा समझ में, क्या हम कहे हैं कि दी गई संख्या का इकाई अंक का दो गुना, देखिए कर दिए हैं, जब उस संख्या में से घटाते हैं, कौन सा संख्या में से, जो अंक बच गए थे उन संख्या में से, देखिए यही तो बच गया था, उनमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो मिली हुई संख्या, जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए बताइए,
सात से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए ये 34 में 6 गया कितना होगा 28 होगा, तो देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 जोड़ 28, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य होने वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, 10 है, ठीक है, तो 10 से विभक्त होने वाली संख्या वही संख्या हो सकती है जिसके अंत में यानी इकाई के स्थान पे जीरो हो। अगर इकाई के स्थान पर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब चलते हैं 11 से देख लेते हैं कौन सी संख्या विभक्त होगी। ठीक है, देखिए 11 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो जब दी गई संख्या के सम संख्याओं यानी सम अंकों का योग में से विषम अंकों का योग घटाएंगे तो यानी अंतर जीरो होना चाहिए या 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक, चलते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए क्या है, 1, 3, 6, 1, 0, 5, 2 ये संख्या है। देखिए इसमें क्या है, हम कहे हैं सम संख्या विषम संख्या, यानी सम संख्या वाले स्थान का अंक और विषम संख्या वाले स्थान पर जो स्थित अंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले ये कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये विषम संख्या ना 1, 3, 5 और 7, ठीक है, और ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के स्थान पे जो अंक है उनका योग, देखिए कौन कौन सा सम संख्या पर, ऐसे लिख लेते हैं सम संख्या के स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम संख्या के स्थान पर अंकों का योग, यही बात है ना, स्थान पर अंकों का योग, तो इनका क्या होना चाहिए, इनका अंतर जीरो आना चाहिए या 11 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होने वाली संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए सम संख्या के स्थान पे कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, इनको हम जोड़ लेते हैं 2। इसमें एक ये भी है कि हम हमेशा इकाई के स्थान से, दी गई संख्या के इकाई वाले स्थान से बाएं की तरफ हम चलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर क्या है, देखिए 5 है, ठीक है, 4 की जगह पर क्या है, 1 है, और 6 की जगह पर क्या है, 3 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं विषम, देखिए विषम कह रहा है ना, विषम संख्या के स्थान पर, देखिए विषम पे, ये विषम पे क्या है, कितना है, 2 है। ठीक, देखिए 3 के, 3 भी तो विषम है, 3 के जगह पे क्या है, 0 है। उसके बाद 5 भी तो विषम है, तो उसके जगह पे क्या है, 6 है। उसके बाद देखिए 7वें स्थान की जगह पे क्या है, 1 है। आ रहा समझ में, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5, 1, 6, 6, 3, 9 हो गया। अब देखिए 2, 6, 2, 8, 1, 9, तो देखिए इनका घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम क्या बोल लेते हैं कि उन का अंतर अगर 0 आ रहा है या चाहे 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभक्त होने वाली संख्या है। तो देखिए 0 आ रहा है कि नहीं अंतर, ये देखिए, तो इससे क्या निर्णय निकलता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये दी गई संख्या, ठीक है, क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। अब चलते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक, चलिए सारी संख्या के नियम जो हैं वो बता दिए गए, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसको इन संख्याओं से विभक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए 9, 2, 6, 7, 5 और ये खाली स्थान है, 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो इसके जगह पे, मतलब इसके जगह पे क्या आनी चाहिए, तो संख्या क्या है, 9, 2, 6, 7, 5 ऐसे दिया 2। ठीक है, और 8 से कह रहा है विभक्त हो तो 8 के लिए हम क्या बताए थे नियम में, अभी ऊपर बताए हैं कि उनका इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों से बना संख्या, ये तीनों अंकों से, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं कोई अंक, देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें एक चीज समझने वाली है, हमेशा अंक हम जो रखेंगे छोटा ही रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर जैसे 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम 8 रख देंगे, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, छोटा जो है 2 भी हो सकता है, तो हम इसमें
रखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या रखते हैं हम, जीरो रखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यही सब संख्या होती है ना, यही सब रखी जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हम रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो ये कटेगा नहीं, हम क्या रखते हैं वन रखते हैं, टू, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, आठ छाक अड़तालीस, आठ चौको बत्तीस, ठीक है। हम क्या किए हैं एक इसके जगह पे रखे हैं, तो क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, ठीक है। रूल्स में सब बताए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक जब हम रखे हैं तो आठ से क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसको कई लोग ना ऐसे भी लगा देते हैं, जैसे पांच दो सात, पांच प्लस दो पांच दो सात, देखेंगे सात है कितना और जोड़ेंगे कि आठ से डिवाइड हो जाएगा, तो एक जोड़ देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो मान लीजिए सही हो गया, लेकिन जो नियम बताया गया है उस नियम से हमको चलना है, तो उस नियम से क्या होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक। बताए थे चार में अगर रहेगा, चार से अगर विभक्त होने वाली संख्या रहेगी तो उसका केवल इकाई अंक और दहाई अंक का योग, अच्छा है इकाई या दहाई से बनी संख्या को देखेंगे, ठीक है। अब दूसरे चलते हैं, आपको ये सब चीज़ें बताते चल रहे हैं कि आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है, और दिमाग में हमेशा क्लिक बना रहेगा कि ऐसे ऐसे नियम था। अब दूसरा शब्द है कह रहा है कि इस का न्यूनतम, ये खाली स्थान है इस संख्या का, न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये और ये क्या होगी पूर्णतया 11 से विभक्त होगा, विभक्त हो तो कौन सी संख्या है, 7 8 3 9 4 5, और 11 से कहाँ है, देखिए पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे। तो हम बताए थे कि इनका स्थान पहले देख लेते हैं, यानी सम संख्या और विषम संख्या की बात की है अभी इसके जस्ट पीछे। तो देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सम संख्या के स्थान पे जो अंक रहेगा उसका योग, और विषम संख्या वाली जगह पे जो अंक होगा उसका योग का क्या करते हैं हम अंतर करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तब तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए सम संख्या दो है ना, तो उसके जगह पे कौन सा अंक है, चार है। अब बताए थे कि हमेशा इकाई की तरफ से बाएं साइड में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, ठीक है। अब चार की जगह पे क्या है, तीन है, और छः की जगह पे कितना है, आठ है, तो इनका योग हम कर दिए माइनस। अब विषम की जगह पे क्या क्या है, विषम संख्या की जगह पे कौन कौन सा ये अंक है, डिजिट है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फाइव एक की जगह पर, तीन की जगह पर नौ, पाँच की जगह पर हमको निकालना है, ठीक, और सात की जगह पर क्या है, सात है। अब इसका अंतर जीरो आना चाहिए, नहीं तो ग्यारह से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, चार तीन सात आठ सात पंद्रह, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, नौ पाँच चौदह, चौदह सात, चौदह सात कितना हो जाएगा, इक्कीस, ठीक है। अब देखिए ग्यारह से अब देखेंगे, अब इक्कीस में से अगर पंद्रह घटाएंगे कितना बचेगा, छः बचेगा। यहाँ देखिए इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, तो इक्कीस में से पंद्रह तो छः, तो छः क्या होगा, ग्यारह से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या इसमें जोड़ देंगे, पाँच, किसमें, इसमें, इसके जगह हम क्या रखेंगे, पाँच रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्कीस पाँच बताइए छब्बीस, तो छब्बीस में से जब पंद्रह जाएगा कितना बचेगा, ग्यारह। देखिए हाँ ग्यारह जब आ रहा है तो वो ग्यारह से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी आंसर क्या आएगा आपका, फाइव आएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, फाइव, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया है, देखिए ये है, कोई संख्या दिया है, कह रहा है क्या चौबीस से पूर्णतया विभक्त है, देखिए तीन एक दो पाँच सात तीन छः और चौबीस से कह रहा है विभक्त, तो देखिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जो नियम में आने वाली जो संख्या है वो मिल जाए, तो ठीक। देखिए छः चौको चौबीस वो ज़्यादा इतना हो जाएगा, अब इसको तोड़ेंगे दो तिहाई छः, फिर इसको दो दून चार, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इन्हीं को तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, अगर छः रह रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका भी नियम है दो और तीन में तोड़ेंगे, देखेंगे कि वो संख्या दो से भी कट रही है और तीन से भी कट रही है तभी वो क्या होगा, विभक्त होगा। तो देखिए दो है तो क्या हो जाएगा, दो करने दो, दो दो ना चार, बार बार में कट रहा है, ठीक। तीन से देखते हैं तो तीन आठ चौबीस कट रहा है, तो यानी छः से क्या हो जा रहा है, ये विभक्त हो जा रहा है। अब देखेंगे चार से, तो चार में क्या बताए थे कि दी गई संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से बना संख्या क्या होना चाहिए, चार से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये इकाई है ये दहाई है, तो दोनों अंक से बनी संख्या क्या हो जाएगी, चार से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चार छक्की चौबीस,
ठीक है, यानी चार से भी क्या हो जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है। तो इसका क्या है आंसर, सही है, यानी 24 से ये विभक्त हो सकता है। ऐसे ही दे दे जैसे 27 दे दे, पूछ दे कि 27 विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है, एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा चार, पूछ देगा 27 विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है, दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत तोड़ लेंगे 27। इसका भी रूल जानते हैं, सारे अंकों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, इसमें भी क्या सारे अंकों को जोड़ दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा कितना बड़ी संख्या हो तो उसका गुणनखंड ऐसा कीजिएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में आ जाए। जब इसमें आ जाएगा गुणनखंड तो आप नियम जानते ही हैं, खट से कर ले जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अगर क्लियर हो गए होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।